लखनऊ में एक दिन गाड़ी रखा और गाड़ी की हालत देखो, स्क्रैच यहाँ से बेंड हो गया, ऐसे गुस्सा आ रहा है ना। मेरे को तो बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा क्या करना है। आज सुबह हम लोग निकलने वाले थे, सुबह फिर न्यूज देखा तो पता चला कि भाई बहुत हालत खराब है, बहुत गंदी कंडीशन है नेपाल में भी। ये बोल रहे कि एशिया का सबसे बड़ा मॉल है, मॉल में बच्चे घूमते सुना था, तुम्हारे तो मम्मी पापा ही घूम गए। आज नहीं दे रहा भाई बिल्कुल भी। अभी जाके बारिश थोड़ी बंद हुई है, बंद तो नहीं हुई है, क्या चल ही रही है, हल्की हल्की बूंदा बांदी। आज निकलने वाले थे हम लोग नेपाल के लिए, बड़ा दुख हो गया भाई, बड़ा दुख हो गया। हम लोग चाह के भी आज नेपाल के लिए निकल नहीं पाए यार, नेपाल में बहुत जोरदार बारिश हो रही है, बहुत जोरदार। मतलब यहाँ पे जितनी बारिश हो रही ना उससे डबल ट्रिपल, मतलब बाढ़ वाड़ का सीन है। रोड वोड में पानी वानी भर गया है, लैंडस्लाइड हो गया बहुत जगह पे, रोड काफी बंद हो गया, डोमेस्टिक फ्लाइट्स बंद हो गया है, बहुत हालत खराब है, बहुत गंदी कंडीशन है नेपाल में भी। मतलब बाई रोड जाना तो बहुत गंदी कंडीशन है, सोचो फ्लाइट ही बंद हो गया है, डोमेस्टिक फ्लाइट्स बंद हो गए, रोड में पूरा पानी भर गया है, एकदम लैंडस्लाइड तो बहुत जगह पे हुआ है लैंडस्लाइड। मेरे को तो बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा क्या करना है। आज सुबह हम लोग निकलने वाले थे, सुबह फिर न्यूज देखा तो पता चला कि भाई नहीं निकल सकते, और इतना रिस्क लेके मेनका के साथ निकलना, तो मेरे लिए, मैं अकेला रहता तो मैं निकल जाता, मगर अभी आगे के राइड में मेरे साथ में मेनका भी रहने वाली है तो मुश्किल ही है। और लखनऊ में भी कंटिन्यू बारिश हो रही है, सुबह से बारिश हो रही है कंटिन्यू। हम लोग सोच रहे बाहर निकले, थोड़ा बाइक निकाले, लखनऊ तो घूम लूँ, बारिश कंटिन्यू बारिश हो रही है यार। ये मैं लक बोलो या बैड लक बोलो मेरे को नहीं समझ रहा है। मैं राइड के लिए जब भी लखनऊ आता हूँ ना तो बारिश होती है यहाँ पे, और होती ही होती है बारिश जब भी, जितनी बार भी आया, 3-4 बार आया हूँ मैं बाइक लेके यहाँ पे, मतलब फिक्स है वो बारिश होना ही है। इस बार भी वही हुआ, मैं आया उसके एक दिन पहले तक एक बूंद बारिश नहीं थी, सब लोग बोल रहे, और जिस दिन से आया हूँ ना उस दिन से कंटिन्यू बारिश चल रही, कल बारिश, आज बारिश, फिर से चालू हो गई बारिश। क्लाइमेट मौसम हो गया है, मगर ये बारिश ने बहुत दुख दिया है। फिर से ऑन हो गया है बारिश, बारिश चालू हो गया। हाँ वही, नेपाल का क्या सीन है विकी? हर जगह लैंडस्लाइड हो रहा है, सब जगह हो रहा है लैंडस्लाइड, बाढ़, ट्रक को भी मतलब भगा दिया। सही में रह गया था, बाइक वाले लोग की तो इज्जत भी नहीं रहेगी वहाँ पे, हमारी इज्जत भी नहीं रहेगी पानी में। क्यों पता है क्या, नेपाल मतलब हम लोग नेपाल एंटर करेंगे सुनौली से, फिर वहाँ से आगे चितवन तक जाने के लिए ही रास्ता खराब लगता है मेरे को ना, है ना। पहले दिन की राइड में बैंड बज जाएगी, हर एक दिन रुकना तो कोई मतलब ही नहीं, वेस्ट है टाइम ना, उससे बेटर तो निकल जाते थे हम लोग आज सुबह, मगर नहीं होगा। सबसे ज्यादा दिल लेट कर देगा दिलू, कुछ भी ये रखना है वो रखना है, बस यही कहते रहते हैं। अगर मैं आधा पैकिंग मैं ना करूँ तो फिर तो कुछ भी ना कुछ भी। ये तो बहुत बड़ा जोक मार दिया मैंने दिलू, बहुत बड़ा जोक था, जोक नहीं था बहुत बड़ा जोक था। अरे आज सब बीएमडब्ल्यू में घूमेंगे लखनऊ। ओहो राइडर लोग रेडी हो चुके हैं, और मेरे गाड़ी में ना सिर्फ 8 किलोमीटर का रेंज है, 8 किलोमीटर के रेंज में, मगर फाइनली सोच रहे कि निकल ही जाए, अगर नहीं निकले तो बड़ा दिक्कत हो जाएगा भाई, पेट्रोल कम है बहुत। यहाँ पे तीनों की बाइक रेडी है, मेरे पापा की गाड़ी रेडी है, ऑल टाइम फेवरेट, विकी दादा भी रेडी है राइडिंग के लिए। अरे ये बाइक मत दिखाओ अभी। उसके आगे ये हमारी बाइक रेडी है यार, ये आवाज बंद ही नहीं होता यार, ये आवाज बहुत आता है, ये आवाज बहुत आता है, यहाँ पे एक आवाज आता है। ओह गाड़ी का पूजा किया, ओह माय गॉड दशहरे का पूजा हुआ है, गाड़ी बहुत गंदी हो गई यार, धुलना चाहिए एक बार, कल ही धुलना चाहिए था एक्चुअली इसको। हाँ पेट्रोल पंप पे मिला, पेट्रोल पंप पे पेट्रोल खत्म हो गया, 8 किलोमीटर का रेंज है इधर से पेट्रोल पंप, तो बाजू में है कोई टेंशन नहीं, चलो मिलता है पेट्रोल पंप पे। यूपी में पेट्रोल का भाव बहुत कम है भाई, 96 रुपीज, इतना भाव तो कम बहुत दिन से देखा नहीं मैंने। तुमने वो टायर डाला था? हाँ वो बहुत हिल रहा है, इधर लाइन लगा के रुके और ऐसा करोगे ऐसा, मतलब उधर लगाना चाहिए था मेरे को, ऐसा थोड़ी होता है।
अरे आगे वाला बाइक नहीं हटेगा तो हम कैसे आएंगे उसके ऊपर? फुल कर दीजिए ना, भरिए भरिए ना, भरेगा। 266 का रेंज दिखा रहे बस। लखनऊ में कौन सी स्टेडियम है? इंडिया का किसका मैच है? इसीलिए तो इतना पुलिस वाले यार भर भर के पूछते, रुक आगे पूछते। भाई किसका मैच है? किसका मैच है? इंडिया साउथ अफ्रीका। तो हम लोग आगे लुलु मॉल में, ये बोल रहे कि एशिया का सबसे बड़ा मॉल है। ऐसा मैंने भी सुना है, मेरे को भी कंफर्म नहीं है, बोल तो रहे सब लोग। तो हम लोग सोचे कि ट्राई मारते एशिया के, एक्चुअली दुबई का मॉल है, सोचे थोड़ा घूम फिरा जाए, एक शॉपिंग वॉपिंग किया जाए। शॉपिंग तो करना है, नाम ही कैसा है लुलु मॉल, मगर बहुत बड़ा मॉल, बहुत बड़ा यार। ये देखो, ओ बाप रे बाप, बहुत बड़ा, बहुत बड़ा। इन लोग भी आगे सब साथ में, बड़ा मॉल तो अभी ऊपर से देख के मालूम पड़ेगा, मगर ये आधा पोर्शन है, आधा पोर्शन वहाँ पे, फिर उसके आधा पोर्शन वहाँ पे। वाह 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 वाह, फुल धमाल चल रहा है इन लोग तो। अरे यार मॉल में आके फोटो, पब्लिक सुनती नहीं आजकल, पब्लिक नेपाल जाके सुनी नहीं रही है भाई, इनका ढूंढ ढूंढ के खत्म नहीं रहा लोगों को। मैकडॉनल्ड्स के पास आओ ज्योति, मैं इनका फोन पे बात करते करते जेंट्स टॉयलेट में घुस गई थी अभी मेरे साथ। मैंने कहा तो जेंट टॉयलेट में क्यों घुसी थी? बात कर रही है फोन पे, बात करते करते मेरे पीछे टॉयलेट के अंदर घुस गई, बोला पे तेरा इधर नहीं है यार। पूछ मेरे पीछे पीछे आई फोन पे बात करते करते, मैं बोला वॉशरूम जाता हूँ, पीछे आ रही है यार, बोला इधर नहीं, बोला इधर किधर घुस रही है, तो उधर जा। सुन ना, मॉल में बच्चे घूमते सुना था, तुम्हारे तो मम्मी पापा ही घूम गए यार। हाँ ज्योति, मॉल में बच्चे घूमते सुना था, इनके तो मम्मी पापा ही घूम रहे। सब मिल गए आखिर में, सब मिले, फिर घूम हो जाएंगे। ड्रेडलॉक का रिएक्शन नेपाल में कुछ नहीं मिला हमको यार, मगर लखनऊ के लुलु मॉल में आओ, क्या रिएक्शन है, एक नंबर रिएक्शन लोगों का। क्यों ये देखो, वो भी देख रही है उधर, इनका खतरनाक रिएक्शन है ड्रेडलॉक का यहाँ पे। तो मैक्स चलो, मैक्स चलो, मैक्स चलो, मैक्स बस, मैक्स मत दिखाई। 3 घंटे लग गए पूरे शॉपिंग करने, अभी तक खत्म नहीं हुआ, अभी 2 घंटा लगेगा, और 2 घंटा लगेगा सही में। ये खरीद ले, खरीद ले, तो तुम होएगा तो मेरे को बता देना, बोल रहा हूँ बस, और कुछ नहीं। 1 eternity later। हाँ मैंने कहा 4 घंटे नहीं लगे तेरे को शॉपिंग करने, इतनी भूख लग रही है यार। लुल्लू मॉल बहुत बड़ा मॉल है, मस्त मॉल है, मगर अच्छा मॉल है, दुबई का मॉल लुल्लू मॉल। ये देखना, एक तो कुछ चीज़ दिखाता हूँ, निकालो चार्ज बंद और लगाओ चार्ज चालू। सतर्कताको तह र केहीमा खतरा तह पार गरेको छ, थप जोखिम बढ्दै भारत अभी एक्चुअली लेटेस्ट अपडेट ये, अभी भी बहुत पानी है, बारिश आ रहा है ना, जोरदार बारिश आ रहा है, पानी सब कुछ भर गया है सब जगह पे, रोड सब बंद हो गया है। अपन जाएंगे, हिम्मत नहीं आ रहेंगे, लेकिन कल का दिन तो नहीं जा पाएंगे अपन लोग, ऐसा मत बोल, एक एक दिन वेस्ट हो जाए फालतू का, एक एक दिन वेस्ट हो रहा है। ये सीजन में राइड पे निकलने का मतलब ये था कि बारिश नहीं मिलेगा कभी भी, होता है मतलब, और भयंकर बारिश ठंडी में, दिसंबर के मौसम में एक बार आया था तभी भी बारिश थी जोरदार,
दो दिन रुका था इधर ही मुस्तांग जाने के टाइम। अभी मेन अपडेट तो कल का सुबह ही मालूम पड़ेगा क्या होने वाला है, निकलने वाले कि नहीं निकलने वाले। मोस्ट अभी निकल ले गए यार, ऊपर वाले की मर्जी अभी क्या है। फिलहाल तो शोरमा खाया जा रहा है। शोरमा बहुत टेस्टी है। ज्योति फर्स्ट टाइम इसको देखो ना क्या कर गई, सर पे क्या बांध के रखी कफन लगा था लखनऊ में मनीष सी है जो हमें खिला सकता है। क्या 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 बोल रहे हैं, लखनऊ में एक मनीष सी है जो हमें खिला सकता है, लेकिन यार तो समझ नहीं कर रहे। बहुत फेमस है लखनऊ में, बहुत फेमस है। यार देखो अच्छा नहीं लगा, अच्छा लेकिन मैं ज़्यादा नहीं खा पाती। तो कैसे ज्योति कुल्फी कैसा है, है ना? ये ओवर रेटेड नहीं है, ये अच्छा है। ओवर रेटेड एक ही चीज है इधर। The next day लखनऊ में एक दिन गाड़ी रखा और गाड़ी की हालत देखो, स्क्रैच यहाँ से बैंड हो गया, यहाँ से स्क्रैच, यहाँ पे स्क्रैच आया है, यहाँ पे स्क्रैच आया है। ये शायद ना उसमें लगा है, मतलब गाड़ी वाड़ी में ना, गाड़ी में लगता तो ऐसा नहीं होता ना। दूसरी गाड़ी क्या हाल होगी अगर ये गिरी होगी तो? नहीं दूसरी गाड़ी में नहीं है, गाड़ी लगाया कल खाने गया कहीं पे और जब मेरे को पता भी नहीं चला, मेरे को डाउट हो रहा था कि गाड़ी कुछ गड़बड़ चल रही है, और अभी गाड़ी निकालते हुए चेक किया तो भाई ये तो पूरा सीन शॉट हो गया है। कोई तो चूतिया था जिसने गाड़ी गिरा दी जब हम लोग खाना खा रहे थे, और उसके बाद गाड़ी खड़ी करके चला गया। सिटी बैंड हो गया यार इतना तो, ऐसे ही गुस्सा आ रहा है ना ऐसा। अंडरस्टैंड, पर अभी क्या कर सकते हैं, वहाँ पे बोलेंगे हम लोग, एटलीस्ट बता दो सही है ना कि सर गिराया तो बताओ तो सही। यहाँ भी स्क्रैच मार दिया देखो, ये देखो यहाँ पे फुटपैक पे भी आ गए। रात को गाड़ी चलाते थे ना मेरे को फील हो गया था कुछ तो गड़बड़ चल रहा है, मैं इनका को बार बार बोल रहा हूँ, मेरे को लगा हवा कम है या कुछ हो गया, ऐसा कुछ हो गया है, कुछ तो हो गया मैं फील हो रहा था मेरे को, मगर आखिर में ये कांड हो गया था। अभी चेक किया मैं सुबह सुबह, हम लोग नेपाल के लिए निकलने आ रहे थे, नेपाल में बाढ़ आ रही है भाई, बाढ़ निकल ही नहीं पाएंगे, पॉसिबल नहीं निकलना, तो इसीलिए रुक गए आज के एक दिन और हॉल्ट लेके देखेंगे, अगर बारिश कम हुई तो अच्छा, यहाँ पर तो कम हो गई, वहाँ पर कम नहीं हुई अभी तक, तो रिस्क नहीं उठाना था, मगर कल चले जाता तो अच्छा रहता था, ये कांड नहीं होता।